हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देशन पर सोजत रोड कस्बे में पानी निकासी को लेकर समस्या समाधान करने पहुंचा प्रशासन। सोजत रोड कस्बे के फुलाद रोड पर गिरधर कॉलोनी में पानी के भराव को लेकर सोजत पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास के नेतृत्व में कस्बे के गणमान्य लोगों ने जिला मुख्यालय पर जाकर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंप मांग की थी कि हमारी सोजत रोड कस्बे के गिरधर कॉलोनी में सर्विस रोड ऊपर होने के कारण कॉलोनियों में एवं आम मार्ग पर पानी का भराव है। पानी निकासी को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से चर्चा की थी। जिला कलेक्टर अंशदीप ने सोजत रोड कस्बे की पानी निकासी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी केसुलाल एवं DFCC के अधिकारी SP सिंह, सोजत तहसीलदार भागीरथ चौधरी, विकास अधिकारी कंवरलाल सोनी, पंचायत समिति सोजत, जलदाय विभाग से सहायक अभियंता पूनम चौधरी, समाज सेवी एवं पूर्व उप प्रधान अजय सिंह कछवाहा सहित राजस्व निरीक्षक कमलेश मीणा ने उच्च अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण कर पानी निकासी की समस्या समाधान करने का भरोसा ग्रामीणों को दिलवाया है। इस दौरान कस्बे के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। दौलत राम चौधरी उपखंड अधिकारी सोजत ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश की पालना में मौका निरीक्षण कर DFCC एवं ग्राम पंचायत सोजत रोड व जलदाय विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर समस्या समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।